भारत के दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। सुबह 10:10 पर मीटिंग शुरू हुई और 12 बजे तक चली। इस मीटिंग को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, इसलिए डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। ये मीटिंग शरद पवार के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों पर हमला करना सही नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विपक्ष केंद्र सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेंट्री की लगातार मांग कर रहा है। JPC पर पवार ने कहा था, पहले भी कई JPC बनी हैं, मैं इनमें हेड भी रहा हूं, लेकिन इसमें बहुमत की ही बात मानी जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी ज़्यादा प्रभावी होगी, इसका रिजल्ट भी निकलेगा। हिडनबर्ग वैसे भी विदेशी हैं, हम इसकी रिपोर्ट को इतना महत्व क्यों दें। 24 जनवरी को अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक 60% से ज़्यादा गिर गए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।